मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। Now, top focus right now, French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest at India's Republic Day Parade on the 26th of January 2024. America, India ko as a competitor dekhta hai. Unke jo home minister hai, Amit Shah, unhone ek nara lagaya hai, naya Kashmir ke naam se. Unhone ye bola hai ki India side Kashmir mein to hum development kar hi rahe hain, ab bari hai Pakistan side Kashmir mein development karne ki. Unhone French President ko bula liya. सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है, सियासतदान कमजोर है ताड़ साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं, नहीं आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है बाइडेन को रिप्लेस कर दिया है मैक्रॉन ने। वो कहते हैं कि भारत जो है वो इज बिहेविंग, भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे इन्वेडर्स और कलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका, वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रॉन साहब से कहा पाए आ जाओ तो सी, उनका जी होर की चाहिए था? जी आया नू, तो वो जो है वो तैयार है। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर हमारी गवर्नमेंट की, पीओके हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, पीओके के लोगों के लिए हम लोग हैं उनके लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना, अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। वो कहते हैं कि भारत जो है वो इज बिहेविंग, भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती हैं, चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो, खुद की इकॉनमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकॉनमी 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले? सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया, तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका, वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। सर अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं बिजनेस में, परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है वो, तो उनको तो उनकी तो प्राइड है, उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं, हमारे तो ज़रा सा पैसा है कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं भाई। आप तो फिर आपके तो कहने क्या है, मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरुवारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल रिपन क्या नाम उनका था, रिपन जी, वो उनके जो आर्मी चीफ थे विपन, हाँ जनरल विपन, उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के निसाब में होने चाहिए चीज कि भाई आप रावत ना विपिन रावत, हमारे जो पिछले गए हैं मालिक, हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के असासे 12 अरब रुपए हैं
तो देखें फिर। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल, लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे वो भी एक हंगामा था, सर्दी देखिये, पानी फेंका गया, मारा पीटा गया, बारह पीटा क्या बस। 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में, मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तो सी, उनका जी होर की चाहिए था? जी आया नू, तो वो जो हैं वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, वो चाहते तो तीन चार को इकट्ठे भी बुला लेते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है, वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए, अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो है हाफिज साहब जो है आसिम मुनीर साहब वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई दो हफ्ते यहीं बैठे हैं, बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आए, और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है, ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पर बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए और क्या वजह क्या है। इस वक्त उनका यहां आना उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकॉनमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर उस भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इतिहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो इस सारे वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको
आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न बनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं, 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है। सियासतदान कमजोर है तार साहब, हमारे इनके अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं, 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 नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री एज अ कौम कमजोर है, आप बैसीते कौम हथियार डाल गए, आप you are losing a grip, you have gone bankrupt as a country, as a nation. नेशन सियासतदान कहते ठीक है पैटर्न मान लेना, जज ठीक जे, जर्नलिस्ट ठीक जे, जर्नैल ठीक जे, एंड तो सारे पाकिस्तानी, इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना, जलीलो ख्वार तो आप पाकिस्तान हो रहा है ना, बाहर थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा वो, मतलब मैंने जो नोट किया, जाते हैं जब भी मतलब कोई इस तरह का विजिट होता है, या तुर्की का विजिट हो या फिर किसी और फॉरेन कंट्री का विजिट हो, तो वो जाते हैं कि भाई मैं हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ी हेल्प चाहिए, मतलब मांगने वाले नहीं है लेकिन हेल्प चाहिए, यानी उर्दू में नहीं मांगेंगे इंग्लिश में मांगेंगे। तो हमारा इस टाइम जो सोच है वो ये है, जबकि दूसरी साइड पे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में, इवन इस्लामिक कंट्री में जाएं, तो उन्हें वहां का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है। पाकिस्तान से लोगों को देख के मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं लोगों को फेस करता हूँ, तो थोड़ा सा वो मुझे देख के ऐसा कहते हैं कि यार तुम इंडिया को लेके बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तुम जो है वो इंडिया की ज्यादा ही तारीफ कर देते हो, पाकिस्तान को डिग्रेड कर देते हो। लेकिन जब मैं उनसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि भाई अगर मैंने कहीं पे झूठ बोला है तो मेरे ही आप यूट्यूब चैनल पे आए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्वाइट करें और यहाँ वहां पे जाके बताएं कि सुहेब झूठ बोल रहा है, या कोई भी अगर झूठ बोल रहा है, तो वहां पे फिर उनके पास जवाब नहीं होता। मतलब हमारी इस टाइम आदत भी ये बन चुकी है कि हम, हमारा पूरे की पूरी बॉडी गलती जा रही है, जलती जा रही है, वायरस पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है, लेकिन हम किसी को बताना पसंद नहीं कर रहे कि हाँ भाई हम बीमार हैं। और जब तक अगर हम नहीं बताएंगे, शुएब नजर तो फिर भी आ रहा है ना लोगों को अंदाजा तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बताएंगे तो हमारे मुल्क की हालत किसी को पता नहीं लगेगी। और जो हम बात करते हैं, अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो वो इसीलिए कि उस चीज को ठीक किया जाए, उसका हरगिज नेगेटिव मतलब नहीं होता। ऐसा ही है, यकीन माने आरजू जी, मैं तरस रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर आए, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, कोई दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम पॉजिटिव वे में लिया जाए। तो अगर मैं उसके ऊपर प्रोग्राम ना करूं, एक ही बजाय दो प्रोग्राम ना करूं, तो फिर मुझे कोई कहे कि हाँ भाई मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं है, और फिर मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिखाऊं। और अभी हम बहुत सी लिमिट्स में रह के, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस इंडिया की है, तो हम अगर वो और हमारे से ज्यादा लोग, अच्छा यहाँ पे आए दिन बच्चियों के साथ, जो छोटी माइनर एज की बच्चियां, उनके साथ क्या हो रहा है, आए दिन यहाँ पे अगर हम देखें मिनोरिटीज के साथ क्या हो रहा है, आए दिन हम यहाँ पे देखें कि इवन माइनॉरिटीज को छोड़े मेजोरिटीज के साथ क्या हो रहा है। अभी फिर हम बात करते हैं, हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है।